बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शाम की चाय की आज की नशस्त में हम आपके लिए जनाब एम ए राहत साहब की लिखी हुई किताब काला जादू की किस्त नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। संतरी चौंक चौंक कर मुझे देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे मुखातिब नहीं था। आखिरी अल्फाज के बाद मैं खामोश हो गया, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बिलाखिर मैं जेल के फांसी घर पहुंच गया। अजीब सी जगह बनी हुई थी। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाई गई, फिर मेरी आंखों पर कपड़ा चढ़ाया गया। मुझे स्ट्रेट जेलर और डॉक्टर वगैरह सब मौजूद थे। अजीब पुरसरार माहौल था, मुझ पर सकूत तारी था। फिर मेरी गर्दन में फंदा फिट किया गया, फिर कुछ और किया गया। मुझे अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई, फिर यूं लगा जैसे कोई नर्म चीज मेरे पैरों के नीचे आ गई हो, किसी ने मुझे नीचे गिरने से रोक लिया हो। फिर एक धुआं सा मेरे ऊपर छा गया और दो हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दिया, भाग दौड़ होने लगी। किसी नदीदा हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी और दौड़ने लगा। मैं बेख्तियार कदम उठा रहा था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं घिसट रहा था। फिर जेल का दरवाज़ा नजर आया और फिर दरवाजे पर खड़े संतरी इधर उधर लुढ़क गए। उनके हाथों से बंदूकें गिर गई थी। किसी ने जैली दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाल लाया। जेल के दरवाजे से कुछ फासले पर इमली का एक दरख्त नज़र आ रहा था, जो बहुत घना था और उसकी मोटी मोटी शाखें दूर तक फैली हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर एक मोटी सी शाख पर बिठा दिया हो। मेरा सांस फूल रहा था, हालत ख़राब हो रही थी। फिर अचानक मेरे सर से कोई चीज़ लगी। दो पाँव थे जो लंबे होते जा रहे थे, फिर वो इसी शाख से अटके जिस पर मैं बैठा हुआ था, और इसके बाद एक जिस्म भी इस शाख पर आ गया। ये कहना बेकार है कि मैं इसे पहचानता था। वही मनहूस चेहरा जो मेरे सामने था और वही शैतानी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। कैसी रही मियाँ जी, बच गए फांसी से तुम? मेरी कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई थी, पूरा जिस्म लरज रहा था। आह, ये सब कुछ ख्वाब नहीं था। जिंदगी ख़त्म हो गई थी मेरी, सब कुछ हो गया था, पूरे हवास के आलम में हुआ था, मगर मैं बच गया था। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसने कहा, और अब आगे तुम्हें बचना है मियाँ जी। फांसी देने वाले मुसीबत में पड़ गए हैं, सारी जेल में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, जाओगे इनके पास? मैं खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। इसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश लेने आए हैं, सारे क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लिया है उन्होंने। सुनो मियाँ जी, और कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, हमें इतना कहना है कि एक दिन तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। खुद आओगे चलकर हमारे पास, हमसे रो रो कर कहोगे, महाराज हम तुम्हें फागन के दवारे ले चलने के लिए तैयार हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब तक तुम हमारा ये काम न करोगे, ऐसे ही दर बदर फिरते रहोगे। जहाँ जाओगे मुसीबत तुम्हारे साथ होगी, जहाँ टिकोगे वहीं वाले भी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोई तुम्हें साथ रखने को तैयार न होगा, सब तुमसे पनाह मांगेंगे, और पनाह तुम्हें कहाँ मिलेगी? हमारे पास आकर, हमारा काम करके। कहा समझे? हमारा काम ये था कि हम तुम्हारी जान बचाकर यहाँ तक ले आए। रोशनी में नीचे उतरे तो घर लिए जाओगे, रात को उतरना और घर चले जाना, और फिर सोचना। कहा समझे? वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं पथराया हुआ था, हाथ पांव सुन्न थे, अपना बदन अपना लगता ही नहीं था, और अब अपना वजूद अपना था भी कहाँ। मुझे तो सजाए मौत हो चुकी थी, जेल की दुनिया में भी ये अपनी नौयत का पहला ही वाकया होगा, इससे पहले भला ऐसा कहाँ हुआ होगा। मगर कुछ एहसास तो दूसरे लोगों को भी होगा। अब तो सोचा जाएगा कि मैं बेगुनाह था, किसी पुरसरार जाल में फंसा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे होता? जमीरुद्दीन साहब ने ये हवाले दिए थे, मगर वकील सरकार ने इन बातों का खूब मजाक उड़ाया था। जमीरुद्दीन साहब के बारे में नाज़ेबा जुमले अदा किए थे। इसने कहा था, दूसरा कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया है जनाबे वाला कि मुलजिम खुद को दिमागी मरीज जाहिर करना चाहता है। इसने सिर्फ इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक इंसान की जान ले ली, वो बेरहम और सफाक है, इसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए। ठीक है वकील साहब, आपका यकीन आपको ज़रूर दिलाऊंगा, मैंने सोचा। तेरे दिमाग अजीब कैफियत का शिकार थे,
बड़ी मसक्का खेज कैफियत पैदा हो गई थी। खौफ था कि नीचे उतरा तो न जाने क्या हो, जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। ठंडी सांस लेकर इधर उधर देखा, जहाँ बेचारे मामू रियाज मेरे छोटे भाई और पड़ोस की मस्जिद के पेश इमाम और मजीद दो अफराद के साथ खड़े हुए थे। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त से नीचे कूदूँ, दौड़ता हुआ इनके पास जाऊँ, इन्हें बताऊँ कि मैं जिंदा हूँ, मगर हिम्मत ना हो सकी थी। फिर कुछ सिपाही बाहर आए, मामू साहब को बुलाकर अंदर ले गए। कोई आधे घंटे बाद मामू साहब वापस आए, अजीब शक्ल हो रही थी। सब वापस चले गए, मुझे तो ये पूरा दिन यहाँ गुजारना था। हैरान और परेशान दरख्त पर बैठा रहा। दिन को 12 बजे के करीब एक बार फिर मैंने मामू रियाज को देखा। इस वक्त वालिद साहब, वालदा साहबा, भाई और बहन भी साथ थे। वालदा को बहुत दिन के बाद देखा था, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता था। सब्र किया, वो लोग अंदर गए, काफ़ी देर के बाद बाहर आए और फिर चले गए। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजर रहा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेज़ी से एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था, जानता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सब्र कर ही लेंगे, मगर मैं इन्हें अपनी नहूसतों का शिकार नहीं करना चाहता था। आह, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ठिकाना है मेरा। दिलो दिमाग खौफ के ज़ेर असर थे, वो तो फैसला साथ छोड़ चुकी थी। शहर इतना अजनबी नहीं था, लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा था जैसे पूरी कायनात में कोई शनासा ना हो, इंसानी शक्ल में नजर आने वाला हर वजूद दुश्मन हो। आह, मौत मेरी ताक में और जिंदगी एक कमज़ोर बेबस चिड़िया की मानन जो परवास के नाकाबिल हो और जीने की आरजू में फड़फड़ा रही हो। कौन सी जगह है जो मेरी पनाहगाह बन जाए। मेरी निगाह हर साय में पनाह ढूंढ रही थी, मगर हर साया खौफ का साया था। कदम किस तरफ ले जा रहे हैं अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था। फिर शायद गैब से रहनुमाई हुई, रेल की सीटी की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानों से टकराई थी और मेरे कदम रुक गए थे। रेल, हाँ, एक रास्ता ये भी है, कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन है, क्यों न यहाँ से निकल जाया जाए, क्यों न ये शहर छोड़ दिया जाए, हो सकता है यहाँ से दूर जाकर जिंदगी की आस बंधे। कदम फिर आगे बढ़े, रफ्तार तेज हो गई, दिमाग पर नींद जैसी कैफियत तारी थी। इसी आलम में स्टेशन पहुंचा, बहुत सी चीज़ों का एहसास भी ना हो सका, बस रेल के आगे बढ़ने के झटके से जैसे आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द के मनाजर देखे, खिड़की से बाहर रोशनियां रिंग रही थी, अंदर मिलगिरे बल्ब इन मुसाफिरों को नुमाया कर रहे थे जो कहीं दूर से आ रहे थे और दूर जा रहे थे। सब के सब मेरी तरह नींद के सहर में डूबे हुए, न जाने मैं कैसे इनके दरमियान आया था और उन्होंने मुझे कैसी निगाहों से देखा था। रोशनियों के दौड़ने की रफ्तार तेज हो गई, यूं लगता था जैसे इन्हें अंधेरे का खौफ हो और वो इससे जान बचाने के लिए भाग रही हूँ। कहीं फिर अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की से बाहर घूर तारीकी के सिवा कुछ ना रहा। मैंने इस अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर ली, लेकिन जूं ही पलकें जुड़ी मेरे इख्तियार से बाहर हो गई। कोशिश के बावजूद आंखें न खुली, जहन ने सोचों की गिरफ्त से आज़ादी की जिद्दोजहद की और इसके हसूल में कामयाब हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये इनायत इस वक्त तक कायम रही जब तक उजाले के शहनशाह ने तारीकियों को मलियामेट न कर दिया। बाहर रोशनी दौड़ रही थी और ट्रेन पटरियां बदल रही थी, आबादी के आसार नजर आ रहे थे। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरी थी, लोग जाग गए और मैं संभल कर बैठ गया। आह, रात भर का सफ़र तय हो चुका था और मैं न जाने कितनी दूर निकल आया था, बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है, क्या मुझे एक पुरसकून ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है। दिल ने खुद ही जवाब दे दिया, नामुमकिन है, मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ, मैं फितरत से इनहराफ का मुजरम हूँ, वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा, इसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है, मैं एक ऐसा मुजरिम हूँ जो फांसी के तख्ते से उतर भागा है। न जाने कानून के रखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाब पैदा किया होगा, लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस न जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया था, वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब एक यही गम रहेगा कि इन्हें मैं इनके दरमियान नहीं हूँ। दफ़तन मुझे एक और ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रेल में सफ़र कर रहा हूँ,
बगैर टिकट हूँ। रात तो गुजर गई, सुबह को टिकट चेकर जरूर आएगा। मेरे पास टिकट बनवाने के लिए पैसे भी नहीं है। नतीजे में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ ये भी इंकशाफ हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूँ। आह, पहले इस अंदाज में नहीं सोचा था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा था। इसका क्या हल हो सकता है? सिर्फ एक, वो ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूँ, मगर कैसे? चलती ट्रेन से तो नहीं उतरा जा सकता। आह, जल्दी कोई स्टेशन आ जाए, अभी सही तौर पर सुबह नहीं हुई है, स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। जहाँ कोई भी हो, मुझे क्या लेना है, सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। उम्मीद भरी निगाहों से बाहर देखने लगा, शायद कबूलियत का वक्त था। दुआ फौरन कबूल हो गई। बाहर इमारतों के आसार नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती महसूस हुई, स्टेशन आ गया था। मैं उठ खड़ा हुआ, बेसब्री से ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर आमिलपुर का बोर्ड नजर आया। मुझे इस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मेरे लिए क्या बुरा था। जो ही ट्रेन रुकी, मैं जल्दी से नीचे उतर गया। अभी प्लेटफॉर्म पर कदम रखे ही थे कि अकब से कोई मेरे पास आ गया। मुझे अपने शाने पर एक हाथ महसूस हुआ और मेरा रंग पीला हो गया। तभी एक सरगोशी उभरी, सरफराज। न जाने किस तरह गर्दन घूमी थी, लेकिन हालत बेहद खराब हो गई थी। आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, पुरवकार नस्वानी चेहरा। खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी स्याह और बड़ी बड़ी थी, रंग सफेद। एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी कुव्वत गोयाई तो खत्म ही हो गई थी। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज जिसे पूरा यकीन था, एक दिन तुम जरूर वापस आ जाओगे। मेरे बच्चे गलतियां माफ भी करती जाती हैं। अब्बा जान आ रहे थे, हम लोग इन्हें स्टेशन लेने आए थे। देखो, वो सारे लोग अब्बा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर बोली, इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि हमें दो ही खुशियां मिल रही हैं। खातून की आवाज रुंध गई। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर इन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज न जाने कहां गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज, आओ, बराह करम आओ, अब्बा जान बहुत ज़यीफ हो गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं, वो सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज था इनका कि मेरे कदम खुद बहुत इनके साथ साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो मुझे लिए हुए इस जगह पहुँच गई जहाँ सब एक बुजुर्ग को घेरे हुए थे और मुइम्मर बुजुर्ग एक एक को गले से निपटा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रिहाना, रिहाना, रिहाना कहाँ है, क्या वो नहीं आई? जवाब में मुइम्मर खातून आगे बढ़ी और इस वक्त वो सब मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज उभरी, अरे सरफराज भाई, सरफराज भाई, और इसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमलावर हो गए। मैं भला इनसे क्या मुकाबला कर सकता था? मेरा चेहरा इनकी गलतफहमी को रफा करने की कोशिश कर रहा था, अब भला कौन सुनने वाला था। एक अजीब हंगामा बपा हो गया। मुइम्मर बुजुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे सीने से लगा लिया। तो सरफराज मियां, आखिर तुम आ ही गए, बहुत ही अच्छा फैसला किया है बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला। अकल खोपड़ी से 2 फुट ऊंची उठ चुकी थी। किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही, सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मुइम्मर खातून ने इन सब को रोका और बोली, ये स्टेशन पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, आओ घर चले, चलो घर चले। मगर ये सरफराज भाई, ये इसी ट्रेन से उतरे हैं, चलो, मुइम्मर खातून ने इसी दूसरी लड़की के सवाल के जवाब में कहा। जिन साहब को नाना जान कहा जा रहा था, इन्हें तो सब भूल ही गए, मेरे ही जमगट्ठा लग गया था। अजीब अजीब बातें की जा रही थी, सारे के सारे मुझे सरफराज समझ रहे थे। न जाने क्यों इन्हें इस कदर शदीद गलत फहमी हुई थी, लेकिन मेरे हक में फिर वक्त ये बेहतर था, क्योंकि इस बॉल में मैं बासानी स्टेशन के गेट से बाहर निकल आया था। टिकट चेकर भी लापरवाह सा आदमी था, इसने गिनती भी नहीं की। बहरहाल एक तरह से मुझे आर्जी तौर पर यह सहारा मिल गया था। बाहर आकर मैंने मुइम्मर खातून को अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन मुइम्मर खातून ने अब मेरा हाथ छोड़ दिया था और इन बुजुर्ग से बातें करने लगी थी जो कहीं से आए थे। बाद में मैंने इन लड़कियों और इनके साथ मौजूद लड़कों को समझाना चाहा। सुनिए भाई साहब, मैंने एक नौजवान को मुखातिब किया और वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। फिर बोला,
आपसे तो ऐसी कुश्तियाँ होंगी कि पटखनियों पर पटखनियाँ दी जाएंगी। सर्राज भाई, आपने हम सबको जिंदा दरगोर कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते थे हम लोगों पर क्या गुजर चुकी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो क्या यही कहेंगे घर नहीं चलना है? सुनिए, आपको आपको गलत फहमी हो रही है, मैं सरफराज नहीं हूँ। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है, बाद में आप लोग मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। सुना ना दिया, ये सरफराज नहीं है, इनकी तो ऐसी की तैसी, इन्हें तो 10 बार सरफराज बनना पड़ेगा। चलिए जल्दी से, शराफत से, वरना मैं लड़की बहुत बुरी हूँ। इस खूबसूरत सी लड़की ने बेतकल्लफी से कहा और आस्तीन चढ़ाने लगी। सब हंसने लगे थे। मैं ठंडी सांस भरकर खामोश हो गया। वाकई सरे बाजार अपने आप की इस शिद्दत से तर्दीद करना नुकसानदेह भी हो सकता था। बड़ी कीमती गाड़ियाँ आई हुई थी। गौले बयाबानी इन गाड़ियों में भरने लगा। इसी लड़की ने, जिसका नाम नादिया लिया गया था, एक नौजवान से कहा, आपने इनके अल्फाज सुन लिए शाकिर भाई? ज़रा होशियार रहें, खतरा है। फिक्र ही ना करें, 400 मीटर तक तो मैंने आगे निकलने नहीं दूंगा। इसके बाद भी अगर ये दौड़ते रहे तो फिर देखा जाएगा। जिस शख्स को शाकिर के नाम से पुकारा गया था, इसने कहा, एक बार फिर सब हंसने लगे। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसी शदीद गलत फहमी हुई थी मुझे कि मैं खुद भी हैरान था, लेकिन इस गलत फहमी से मुझे कोई खुशी नहीं थी। कोई दूसरा मौका होता तो अब मैं इतना अज्ञा गुजरा भी नहीं था कि इस गलत फहमी से लुत्फानंदोज ना होता, लेकिन मुझ पर तो ज़िंदगी ही कठिन हो गई थी। मैं तो मुसीबतों पर मारा था, भला इस माहौल से, इन अल्फाज से क्या लुत्फानंदोज होता। बस दिल था कि मारे दर्द के फटा जा रहा था और जहन तरह तरह के ख्यालात का शिकार हो रहा था। गाड़ियाँ जिस इमारत में दाखिल हुई, इसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहायत खुशहाल लोग हैं और बड़ी अच्छी हैसियत के मालिक हैं। आह, काश इन लोगों से वाकई मेरा कोई ताल्लुक होता। चाहता तो झूठ बोलकर इनके दरमियान अपने लिए जगह बना सकता था, लेकिन दिल ये भी गवारा नहीं कर रहा था और मैं झूठ बोलकर एक और गुनाह नहीं करना चाहता था। वैसे ही जिंदगी पूरी तरह गुनाहों के बोझ से दबी हुई थी और इसका पूरा पूरा सिला भुगत रहा था। यहाँ पहुँचने के बाद तमाम लोग नीचे उतर गए। मुअम्मर खातून मुअम्मर बुजुर्ग के साथ नीचे उतरी थी, लेकिन इनकी तवज्जो इन बुजुर्ग से ज़्यादा मुझ पर थी। रुकी और मेरे करीब आने का इंतज़ार करने लगी। लड़के लड़कियों का गौर मुझे इनके पास ले गया। मुअम्मर खातून ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना सरफराज? जिंदगी खोने पर तुले हुए थे। मैं जानती थी, मुझे यकीन था कि तुम वापस आ जाओगे, लेकिन बेटे बड़ाई इसमें है और फिर शायद तुम्हें इल्म हो के वो ना रहे जिनसे तुम्हें इख्तलाफ पैदा हो गया था। क्या तुम्हें इल्म है कि रहमान साहब का इंतकाल हो गया? मेरी गर्दन बिला वजह ही नफी में हिल गई थी। हाँ, हम बेसहारा हो गए हैं सरफराज, हम बेसहारा हो गए हैं। हमारे सर से साहिबान सिरक गया है। और अब मुअम्मर खातून की आवाज़ गुलगीर हो गई। मुअम्मर बुजुर्ग ने भी मेरे करीब पहुँच कर कहा, चलो सरफराज मियाँ, तुम बेशक बड़े हो और अब तो तुम ही इस खानदान की सरपरस्ती करनी है। बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं तुम पर। न जाने कहां कहां मारे मारे फिरते रहे हो। हम सब लोग अंदर दाखिल हो गए। खातून ने एक लड़की को हुक्म दिया कि मेरा लिबास वगैरह तैयार करे और मुझे गुसलखाने में पहुंचा दे। मैं इस उस्ताद पर सख्त हैरान और परेशान था, लेकिन क्या करता, आर्जी तौर पर हालात से समझौता करना पड़ा। अलबत्ता मैं इन मासूम लोगों को मुनासिब मौका पर सूरत हाल से आगाह कर देने का फैसला कर चुका था, जो शदीद गलत फहमी का शिकार हो गए थे। लड़की मुझे अपने साथ लिए एक वसी कमरे में पहुंची, जो ऐसी ऐसी आरायशी चीज़ों से आरास्ता था जो मैंने होश के आलम में कभी नहीं देखी थी। गुसल खाने की तरफ रुख करते हुए इसने कहा, जाइए और अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए, आपका लिबास मैं अभी तैयार किए देती हूँ, यहाँ बाहर स्टैंड पर मिल जाएगा। जाते हुए मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूंगी ताकि आप फरार होने की कोशिश ना करें। मैंने एक ठंडी सांस लेकर इसे देखा। बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर शोखी और मासूमियत सजी हुई थी। फिर मैं बाथरूम में दाखिल हो गया। सफ़ेद टाइलों से मुरस्सा बाथरूम था, जिसमें नहाने के नए नए सामान मौजूद थे। मुझे इन तमाम चीज़ों से लुत्फानंदोज होने का हक नहीं था, लेकिन यहाँ भी तकदीर के इस फैसले पर शाकिर हो गया जो आर्जी तौर पर मेरे लिए किया गया था। दिल ये सोचकर कम से कम मुतमईन था कि मैं इन लोगों को धोखा देने का इरादा नहीं रखता, बल्कि मैंने जिस हद तक भी मुमकिन हो सका इस बात की तरदीद की थी कि मैं सरफराज हूँ।
गुसल किया, शेव का सामान भी मौजूद था। दिल चाहा कि शेव कर दूँ, चुनाचे ये भी कर लिया मैंने। और जब बाहर निकला तो मेरा लिबास रखा हुआ था। ये हैरान कन बात थी कि ये लिबास भी मेरे जिस्म पर बिल्कुल दुरुस्त था। सिल्क का कुर्ता और सिल्क का ही पाजामा, यहाँ तक के जो सलीम शाही जूते मेरे लिए रखे गए थे वो भी मेरे पैरों पर फिट आए थे। इस हैरान कन इत्तफाक पर हंसी भी आ रही थी। हो सकता है सरफराज बिल्कुल मेरे जैसा हो, वरना इस कदर शदीद गलतफहमी और वो भी इतने बहुत से अफराद को मुमकिन नहीं हो सकती थी। लेकिन दिल के गोशों में एक और खौफ का तसव्वुर भी उभर रहा था, कहीं ये भी इस कमबख्त मनहूस शैतान की चाल ना हो जिसने मुझे इत्तला दी थी कि मैं कहीं भी सुख की सांस नहीं ले सकूंगा, बल्कि जहां भी जाऊंगा इसकी नहुसत मेरा ताकुब करती रहेगी। दिल को ये सोचकर समझाया कि जो कुछ होना है वो तो होगा ही, मैं अपने तौर पर मुदाफियत नहीं कर सकता और ना ही मेरे अंदर इतनी कुवतें छुपी हुई हैं। चुनाचे अब खौफ के आलम में मरने से क्या फ़ायदा। हाँ, अपने तौर पर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरा गुनाह शदीद से शदीद तर हो जाए। जो कुछ किया था इसके सिले में जो कुछ भुगत रहा था, बस इससे ज़्यादा कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अब तो मैं कमरे इम्तहान में था और अपनी तकदीर पर शाकिर था। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और बाहर अच्छे खासे लोग मौजूद थे जो मुझे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। टेबल पर नाश्ते का सामान मौजूद था और कमरे में तकरीबन तमाम ही अहले खाना मौजूद थे। मुअम्मर खातून मुसलसल मेरी खातिरदारी कर रही थी और मुअम्मर बुजुर्ग भी। लड़के लड़कियां मेरे ऊपर एक आध फिक्रा भी चुस्त कर देते थे और कमरे का माहौल खुशगवार हो जाता था। खातून ने कई बार लड़कियों और लड़कों को डांट भी पिलाई कि बहुत ज़्यादा बातें ना करें और मेरे मिजाज का ख्याल रखें। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि वाह, मैं और मेरा मिजाज, अभी जब इन्हें इस हकीकत का यकीन आ जाएगा कि मैं वो नहीं हूँ जिसे समझकर वो मुझे यहाँ लाए हैं, तो मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दुनिया का यही अंदाज है और दुनिया इसी अंदाज में जीती है। नाश्ते के बाद उमर खातून ने कहा, अब्बा मियाँ मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी देर सरफराज से बातें कर लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मैं भी अब सोना चाहता हूँ, सफ़र से थक गया हूँ, तुम इत्मीनान से बातें कर लो, आओ सरफराज मेरे कमरे में चलो, मुनम्मर खातून ने कहा। और मैं खामोशी और सादतमंदी से इनके साथ चल पड़ा। वो मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले आई। अंदर पहुँच कर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर एक कोने की तरफ इशारा करके बोली, बैठो, बैठ जाओ। मैं खामोशी से बैठ गया तो वो खुद भी मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, सरफराज बेटे, ज़िंदगी में न जाने क्या क्या ऊंच नीच होती रहती है। हम ये नहीं कहते कि गलती हमारी नहीं है, लेकिन बेटे तुम्हें इस तरह ये सब कुछ छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए था। ठीक है, मरहूम रहमान साहब का रवैया तुम्हारे साथ सख्त हो गया था, लेकिन बुजुर्ग गलतियाँ भी तो कर लेते हैं, लेकिन क्या इन गलतियों की इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है इन्हें। यकीन करो, रहमान साहब के दिल पर तुम्हारी जुदाई का शदीद गम था। वो फरीहा को इस आलम में नहीं देख सकते थे। तुम्हें इस बात का इल्म है कि फरीहा को वो सबसे ज़्यादा चाहते थे। फरीहा की जो कैफियत तुम्हारे पीछे हुई, मैं अगर बताऊंगी तो यही सोचोगे कि माँ हूँ, अपनी बेटी की वकालत कर रही हूँ। मगर बेटे, तुमने ज्यादती की हमारे साथ, कुछ इंतज़ार तो कर लेते, कोई सही फैसला भी हो सकता था। मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूँ खातून, मैंने कहा। और मुअम्मर खातून चौंक कर मुझे देखने लगी। क्यों, क्या तुम ये भूल गए कि तुम मुझे चची जान कहते हो। जी, कुछ ऐसे ही हालात हैं, मैं अपनी मजबूरियां आपको बता नहीं सकता, लेकिन इस बात से आपको आगाह कर देना बेहद ज़रूरी समझता हूं कि हकीकतन मैं सरफराज नहीं हूं, मैं ज़माने का सताया हुआ एक इंसान हूं, और मैं आपको धोखा देकर यहां अपने लिए कोई मुकाम बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मुअम्मर खातून बेतबारी के अंदाज में संजीदगी से मुझे देखती थी, फिर बोली, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अभी साफ नहीं हुआ। रहमान साहब की मौत ने भी तुम्हारे दिल में हमारे लिए नरमी पैदा नहीं की। खैर, जो कुछ तुम कह रहे हो कहते रहो, तुम्हारी संगली का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो मुझे था, लेकिन अच्छा ठीक है, फरीहा से मिल तो लो एक बार, इसे भी ये बता दो कि तुम सरफराज नहीं हो, और इसके बाद हम अपनी तकदीर पर शाकिर हो जाएंगे। जो कुछ भी फैसला तुम करोगे हमें मंजूर होगा। मेरी बच्ची तुम्हारे जाने के बाद कभी मुस्कुराई नहीं है, काश तुम इन हकीकतों का भी एहसास करते। ठीक है खातून, बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि बाद में अगर आपको हकीकतों पर यकीन आ जाए तो मुझे मुजरिम ना समझिएगा,
इस तमाम कहानी में मेरा कोई कसूर नहीं है। खातून के चेहरे पर नागवारी के आसार उठे। उन्होंने गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोली, तुम्हारी इंतहा पसंदी के बारे में सभी जानते हैं सरफराज, क्या तुम इतना तावन कर सकते हो हमसे कि सिर्फ चंद रोज यहाँ गुजार लो, फरिया से मुलाकात कर लो? अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ये हम सब पर एहसान ही होगा। इसे समझा दो, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। वो उठी और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सारा कौले बयाबानी जमा था। एक लड़की ने कहा, जी अम्मी जान क्या हुआ, ये शराफत से मान गए या हमारी बारी आ गई? तुम लोग कोई बदतमीजी ना करो, समझे? चलो अपने अपने कमरों में जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे, अगर ये शराफत से मान गए तो ठीक है, वरना हम इन्हें उठा कर ले जा रहे हैं, एक लड़की ने कहा और वो सब मुझ पर झपट पड़े। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मैं चल रहा हूँ, मैंने बौखला कर कहा, और हंसते कह कह लगाते हुए ये लोग मुझे एक तरफ ले चले। दिल ही दिल में दुख भी हो रहा था, काश मैं इस घराने का एक फर्द होता, क्या खूबसूरत जिंदगी होती। लेकिन मेरी नहुसत बिलाखर इन लोगों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। लड़कियां मुझे लिए हुए एक दरवाजे पर पहुंच गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का दे दिया और इसके फौरन बाद दरवाज़ा बाहर से बंद भी कर दिया गया। अजीब सी सूरत हाल थी, दिल में एक मीठा मीठा सा एहसास भी जाग रहा था, लेकिन इसका इख्तिताम खौफ के दबाव पर होता था। घबराई हुई निगाहों से मैंने इस कमरे का जायजा लिया। आला दर्जे के कालीन बिछे हुए थे, दरवाजे खिड़कियों और दीवारों की मुनासबत से पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक जानेब एक मसहरी थी जिस पर दो तकिए रखे हुए थे। मसहरी के बाएं जानेब फूलों का एक बहुत बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता नजर आ रहा था, जिसमें ताज़ा फूल लगे हुए थे और इसके अतराफ में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक निस्वानी पैकर मौजूद था, जिसकी पुष्ट दरवाजे की जानेब थी। गहरे नीले लिबास में मलबूस स्याह चोटी कमर से नीचे तक लटकी हुई थी। मैं सख्ते किसी हालत में खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर वह मुश्किल तमाम मेरी आवाज़ उभरी, सुनिए। निस्वानी जिस्म में हल्की सी थरथराहट हुई और फिर इसने अपना रुख तब्दील कर लिया और आंसुओं से लबरेज एक हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वो बेहद हसीन थी, इसके चेहरे पर अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सख्ते किसी आलम में इसे देखता रह गया। मैं ज़िंदगी के इस शोबे से पूरी तरह रोशनास नहीं था, लेकिन इस सुलगता हुआ हुसन मेरी आंखों के रास्ते दिल में उतरता चला गया था। इन हसीन और बड़ी बड़ी आंखों से, जिनके नकूश इन मुनमर खातून से काफ़ी मिलते हुए थे, आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और मैं चंद कदम आगे बढ़ा और मैंने लरसती हुई आवाज़ में कहा, सुनिए, शायद आपका नाम फरीहा है। यहाँ सब लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि मैं सरफराज हूँ। इन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ खातून कि मेरा नाम सरफराज नहीं है। हो सकता है मेरा चेहरा इनसे इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये गलत फहमी आपके लिए सबसे ज़्यादा भयानक हो सकती है। वो आंसू भरी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर इसने कहा, आमिरपुर क्यों आ गए? तो नाज़रीन ये थी आज की किस्त, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।